तो जी दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव। दोस्तों एक तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली निकलने वाले हैं और एक बार फिर से हैशटैग मेलोडी जो है ना वो चलने वाला है सोशल मीडियाज़ पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बजट पेश किया जा रहा है और इस बात की मतलब इस बात को लेकर मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि डिफेंस बजट पाकिस्तान का एक बार फिर से ठीक ठाक बढ़ने वाला है। तो जैसे ही कोई आता है पाकिस्तानी मीडिया का G7 के ऊपर या फिर पाकिस्तान के डिफेंस बजट के ऊपर, मैं आपके साथ फटाफट शेयर कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात की तो उम्मीद बड़ी ही कम है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के ऊपर कोई पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्कशन करे या फिर कोई पाकिस्तानी पत्रकार ऐसा हो जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट को डिस्कस करे, ये तो भाई पॉसिबल है नहीं। लेकिन बजट से पहले जो एक इकोनॉमी सर्वे आता है उसको लेकर ये पता चला है कि पाकिस्तान के लोग जो है आजकल बकरियों से बड़ा प्यार है, उन्हें बड़ा बकरी की संख्या बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर और गधों की संख्या भी बड़ी बढ़ रही है। और हम कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चाइना एक तो कारण है ही, लेकिन अब और क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई है, वो तो आप कमेंट करके ही बताइए। लेकिन आइए चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1,00,000 गधों का इजाफा हुआ है। कुछ अच्छा करो लाइफ में। एक साल के दौरान गधों की तादाद 57,00,000 से बढ़कर 58,00,000 हो चली है। क्या वजह है कि मुसलमान गधों के गोश्त को हराम समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में गधों का गोश्त होटलों में बड़े पैमाने पर खिलाया जा रहा है। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती। नाज़रीन, इक्तसादी रिपोर्ट आज पेश की गई और इस इक्तसादी रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए। पहला तो ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान जैसे इस मुल्क में भेड़ें भी बहुत ज्यादा तादाद में आगे आ गई हैं, बकरे और बकरियां भी बढ़ गए हैं तादाद में, गधों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, घोड़े हो या फिर ऊंट ये अपनी तादाद में कम रह गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अमरीका, IMF, चीन तीनों पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, तो फिर आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा मुआशी टीम पाकिस्तान को बचा सकती है? नहीं। एक शख्स जो कि आपको पता है कि मैंने वो बताया कि 4,67,000 से ज्यादा कमाता है, तो यकीनी तौर पे उसकी सैलरी में से उसकी आधी सैलरी के करीब कट जाएगी। 45% 50% एक ही बराबर है। 45 अगर हो जाता तो आगे जाके फिर 50 भी होना ही होना है। कितना जुल्म है, कितना सितम है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है। हुकूमत सीधा सीधा ये जो तनख्वाहदार है बेचारे, उनकी तनख्वाह खुद रखना शुरू कर दे। अभी मैं सुन रही थी, कल मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, आज मैं अपने वजीर खजाना साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जो बैरूनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है, उसके बावजूद भी क्यों हमें ये सुनने को मिलता है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई और प्लान भी मौजूद ही नहीं, किसी और तरह भी मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों? आपके पूरे बजट में मैं हंस रहा था कि गधे और घोड़ों का ही एक चैप्टर मिला और वो भी पता नहीं आप इशाराती उसमें क्या कहना चाहिए। ये गधे और घोड़ों का ही मामला है यहाँ पाकिस्तान में। ये तफरीक जिस दिन हो पाएगी गधे और घोड़ों में तो उस दिन जो है ना काफी मामला तय हो जाएंगे। तो ये बयान की हद तक तो जाहिर है सियासतदान बयान देते ही है और ये हमेशा से रहा है कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जनाब हमने कमाल कर दिया और अपोजिशन हमेशा कहती है कि सत्यानाश कर दिया, मगर अभी हालात इस तरह के आ गए हैं ये छुपाने वाली चीजें रह नहीं गई हैं। IMF का इसरार ये था कि जो शख्स 4,67,000 महाना से ज्यादा कमाता है, यानी 4,67,000 से ज्यादा, उस पर 45% इनकम टैक्स आयद किया जाए। 45 क्यों? ये 5% छोड़ के आसान करें, 50% लगा दें सीधा सीधा, यानी तनख्वाह का आधा काट लें। 45% जरा सोचें, जिसकी तनख्वाह 4,67,000 से ज्यादा है उस पर 45% अगर टैक्स लग जाता है तो सोचिएगा कि उससे बचेगा क्या। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स है ये आपको पता है 5,00,000 रुपए महाना कमाने वाले अफराद पर 35% आए, जो ये भी बहुत ज्यादा है। और इस पर एक और सितम ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेंशनर्स हैं उन पर भी टैक्स आयद करने की आमादगी जाहिर कर दी है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। जरा ये बताते हैं कि जी IMF का इसरार ये है कि तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार और दीगर ज़राए से कमाने वाले जो तमाम अफराद हैं उनको एक ही कैटेगरी में शामिल करके एक ही स्लैब के तहत लाया जाए और इनकम टैक्स की जो बालाई हद है उसको 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाए। 2,000 अरब का नया टैक्स है जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाया जाने वाला है। गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम मजीद टैक्सेस लगाएं, क्योंकि IMF के हाथों हम मजबूर हैं।
मगर IMF की जो मजबूरी है ये गवर्नमेंट के आड़े इसलिए आ रही है कि तनख्वाहदार तबके को निचोड़ा जाए, टैक्सों की भरमार की जाए, मजीद टैक्स आयद किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी अफराद हैं या वो लोग जो बड़े कारोबार करते हैं, मराठ याफ्ता तबका है, उसको 4 खरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं। याद रहे 4 खरब की, मगर अगर टैक्स लेना है तो IMF की जो नंगी तलवार है वो तनख्वाहदार तबके के जानबूझ के लुटाई जा रही है और लगाई जा रही है। जो कारोबारी तबका है उसको IMF से इन्होंने दूर रखा हुआ है। शहबाज शरीफ की हकूमत का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है और उन्होंने टैक्सेस पाकिस्तान की अवाम पर लगाकर और जो बजट तोहफा हमें दिया इसके बाद अपनी वापसी का टिकट कटवा लिया है। खबर यह है कि पेट्रोलियम लेवी पर 20 रुपये इजाफा कर दिया गया और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की मद में एक नया बोझ डाल दिया गया। टैक्स की शरह इसमें इजाफा कर दिया गया और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है। अब यह आवाम का जो रिलीफ था, जो आवाम को ये देना चाहते थे बजट के जरिए, वो तो नहीं मिला, लेकिन आवाम का तेल निकल आया है। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात हो गए, आप तस्लीम नहीं कर रहे और IMF हमें कंट्रोल कर रहा है और आप ये कहते हैं कि IMF से डील हो गई, कौम को मुबारक हो, जो कर्ज था हमें मिल गया, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। भाई कर्जों से भी कभी कोई कौम जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हुई? इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर जब आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा तो आपकी ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर आएंगे, आपकी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर कैसे आएगी? पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट हमें बिजली फराहम करने में नाकाम रहती है क्योंकि हम बिजली के बिल अदा करते हैं मगर बिजली हमारे घरों में नहीं आती। हम गैस के बिल अदा करते हैं, भारी बिल अदा करते हैं, मगर गैस के लोड शेडिंग को फेस करते हैं। 1965 से अब तक हम 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ नहीं मिला, वरना इतने 23 प्रोग्राम नहीं होते। अब जब 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं और हुकूमत वही कर रही है कि IMF की शराइत पूरी हो जाए या जो IMF के साथ मामलात हैं वो हम पूरे कर दें ताकि हमें कर्जा मिल जाए, यानी मोहलत मिल जाए, उसके बाद फिर अगले 25वें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आवाम को जो कुछ रिलीफ दिया जाता है उससे ज़्यादा दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। तो असल जो आपका सवाल का अहम तरीन नुक्ता है उसका जवाब ये है कि एक 3 साल हिकमत अमली हमें बनानी पड़ेगी जिसका बुनियादी नुक्ता सिर्फ एक हो, वो ये कि IMF का जो ये प्रोग्राम हम जा रहे हैं 24वां, ये आखिरी प्रोग्राम हो, 25वां प्रोग्राम नहीं हो। इतनी तबाही आ चुकी है कि अमेरिका को ये पता है कि अमेरिका और IMF मिलके पाकिस्तान को नहीं बचा सकते मईशत को, ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उधर से अमेरिका को ये भी पता है कि अमेरिका अकेला नहीं बचा सकता और चीन भी अकेला हमें नहीं बचा सकता। तो जी दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बजट में से कितना परसेंट हिस्सा जो है वो लेती है और कितना परसेंट बढ़ोतरी जो है वो होता है पाकिस्तान के डिफेंस बजट में। हालांकि भले ही पाकिस्तान की आवाम वाकई में घास खाने को मजबूर है, लेकिन जो पाकिस्तानी फ़ौज है, जो पाकिस्तानी फ़ौज का बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे तो ये बिल्कुल भी लगता नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है पाकिस्तान की सरकार को, क्योंकि वो उसके अंडर में ही है, तो उसको टैक्स पे करती भी होगी, मुझे इस बात का तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, वीडियो को प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं करा कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।